आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में सुमेलित जोड़ा है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, नेपेंथीज डायोनिया ड्रोसेरा, नेपेंथीज यूट्रुक्लेरिया वेंडा, यूट्रुक्लेरिया ड्रोसेरा डायोनिया और डायोनिया ट्रापा वेंडा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो पादप दे रखे हैं, ज्यादातर पादप ये यहाँ पर कैसे पादप है, कीटभक्षी पादप है, कीटभक्षी पादप, यानी कि इसमें से ज्यादातर पादप कीटभक्षी पादप है। तो इन्हीं के बारे में देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें यूट्री फुलेरिया की, तो ये कैसा होता है, यह जड़ रहित, यह जड़ रहित मुक्त तैरने वाला कीट पक्षी पौधा होता है, तैरने वाला कीट पक्षी पौधा होता है। ठीक है, अगर हम अपने दूसरे पार्ट की बात करें, यानी कि ड्रोसेरा में भी देखते हैं, ड्रोसेरा पादप जो है वह कैसा होता है, इसकी बात करें तो इसमें जो पत्तियां होती हैं वह हरी होती हैं, और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि ग्रंथियों में बाल या तंतु उपस्थित होते हैं, ग्रंथियों में बाल या तंतु उपस्थित होते हैं, और जो कि जिनका कार्य क्या होता है, कीटों को फंसाना। तो ये भी कीट पक्षी पादप में आता है। तीसरे की बात कर ले रहे हैं डायोनिया की, तो जो डायोनिया है वह भी कैसे पौधा होता है, ये भी कीट पक्षी पादप होता है, और इसमें जो पत्ती होती है उसमें दो जबड़े जैसी संरचना होती है, जैसी संरचना, और इसमें क्या होते हैं, जो कीट होते हैं वो फंस जाते हैं, यानी कि कीटों को फंसाने का कार्य करते हैं, कीटों को फंसाने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हमारे कुछ कीट पक्षी पालक है। तो हमें यहाँ पे सुमेलित जोड़ा बैठाना था। तो देखिए यूट्रुक्लेरिया ड्रोसेरा और डायोनिया, ये तीनों ही एक में आवे और तीनों ही कीटवक्षी पादप है। वेंडा की बात करें तो वेंडा कीटवक्षी पादप नहीं होता, ये नॉर्मल पादप होता है, और यूट्रुक्लेरिया कीटवक्षी पादप है, नेपेंथीज भी कीटवक्षी पादप में आता है, लेकिन जो यूट्रुक्लेरिया ड्रोसेरा और डायोनिया है इनकी शैली लगभग एक जैसी आती है, और नेपेंथीज डायोनिया ड्रोसेरा। तो देखिए वैसे तो नेपेंथीज डायोनिया ड्रोसेरा तीनों ही कीटभक्षी पादप में आते हैं, लेकिन हमें इसमें प्रॉपर सुमेलित जोड़ा बैठाना था। वैसे तो पहला ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा, तो इसमें जो तीसरा, क्योंकि नेपेंथीज भी होता है कीटभक्षी पादप, डायोनिया होता ही है, ड्रोसेरा होता ही है, और यूट्रुक्लेरिया भी होता है, तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन हमें सही करना पड़ेगा। तो और चौथे ऑप्शन की बात करें ट्रापा की, तो इन्हें फल वाला पौधा होता है, तो मान ली, तो इसने अपना तीसरा ऑप्शन ठीक कर देते तो तीनों ही जो खेत बच्ची पादप को दिखा रहा है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।